पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान तक पहुंच गए हैं। इसका सीधा असर खाद्य सामग्री और पशु चारा दाना पर भी पड़ा है। इसके चलते जल्द ही दूध के दाम बढ़ने वाले हैं। अभी 50 से 60 रुपए प्रति किलो के भाव से बिकने वाला दूध अब 21 अप्रैल से 55 से 65 रुपए प्रति लीटर बिकता नजर आ सकता है। प्रगतिशील दुग्ध उत्पादक किसान समिति ने बैठक में यह फैसला लिया है। दूध के दाम बढ़ाने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि इन दिनों गेहूं 1800 रुपए क्विंटल मिल रहा है, लेकिन चोकर 2500 रुपए क्विंटल। इसी तरह अन्य चारे की कीमतों में भी 13% की वृद्धि हुई है। कुछ के दाम लगभग दोगुने हो गए हैं। मजबूरी में दूध के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। समिति से 500 से ज्यादा छोटे बड़े दूध वाले और खटाल संचालक जुड़े हैं, जिन्होंने इस पर सहमति जताई है। हालांकि पैकेट प्रोडक्ट को लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। वहीं कुछ अन्य लोकल दूध वालों ने इस निर्णय का समर्थन नहीं किया है। उनके मुताबिक वे पुराने दाम पर ही दूध बेचते रहेंगे। इन दिनों ब्रांडेड दूध कंपनियां दूध उत्पादक किसानों से 25 से 30 रुपए लीटर दूध लेती हैं। उसमें से मलाई निकालकर उसी दूध को 50 रुपए लीटर की दर से अपने ब्रांड का नाम लिख पैकेट बनाकर बेचकर दोगुना लाभ कमा रही हैं। उनका दूध बहुत पतला होता है, इससे ना तो मलाई निकलती है और ना ही दूध और दही बनता है। आधी कीमत में कंपनियों को दूध बेचने से दूध वालों को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। गाय का दूध 4 से 5 फैट का और भैंस का दूध 8 से 9 फैट का होता है, यानी बाजार में मिलने वाले ब्रांडेड दूध की तुलना में यह अधिक गाढ़ा होता है। फिर भी इसकी सही कीमत नहीं मिल रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए दूध के दाम बढ़ाने का फैसला किया गया है। चारे के दाम बढ़ गए हैं, कंपनियां आधी कीमत पर दूध ले रही हैं। इससे दूध उत्पादन करने वाले किसानों को दोहरा नुकसान हो रहा है। दूध वालों के दाम में बढ़ोतरी पर दूध पैकेट्स बेचने वाली कंपनियां भी नजर रखी हुई हैं। हालांकि दूध वालों में अब भी एक राय नहीं है। छत्तीसगढ़ के भिलाई के दुग्ध उत्पादक अब भी कीमत में बढ़ोतरी करने को तैयार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह पुरानी दरों पर ही दूध उपलब्ध कराएंगे। हालांकि समिति से जुड़े दुग्ध उत्पादक और डेयरी संचालक ने समिति बनाकर कीमत बढ़ाने की तैयारी की है। उन्होंने 21 अप्रैल से इसे लागू करने का भी निर्णय लिया है। दरों को नियंत्रित करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।